नमस्कार दोस्तों, मैं अंतर्य श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अगर आप CO2 लेजर मशीन अपने पास रखे हुए हैं या उसे चलाते हैं, तो अभी जो मौसम बरसात का मौसम हो रहा है तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी, जैसे उसमें स्पार्किंग की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आ रही होगी। कैसे ये ठीक कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। स्पार्किंग की प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको कैसे ठीक कर सकते हैं खुद से, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार हम ये ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मशीन का पिछला हिस्सा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ, जैसे ही हम टेस्ट बटन दबाएंगे ये स्पार्क कर रहा है हमारा। अब ये हमारा जल गया है यहाँ से स्पार्किंग की वजह से। तो अब ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको काट लेंगे, ये तार जो था उस तार को हमने काट लिया है जहाँ से स्पार्किंग हुई थी। अब ये पाइप जो लगा है वो पाइप पे हमने हटा दिया है। पाइप जनरली स्पार्किंग से बचने के लिए करते हैं जब लूज होता है। स्पार्किंग जो जनरली होती है वो मॉइस्चर की वजह से होता है, बरसात के मौसम में वायर जब लूज रहता है उस वजह से स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग का वो तार हमने काट दिया और जोड़ के फिर हम ये टेपिंग कर रहे हैं। टेपिंग करके इसके ऊपर से ना हमें एक कवर सा लगा देना चाहिए, पाइप जो होता है जिसकी वजह से स्पार्किंग नहीं होती है। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो बरसात के दिनों में लगभग हो जाती है। इससे पूरे बॉडी में भी करंट आ सकता है, इससे पूरे बॉडी में करंट आ जाता है क्योंकि तार या बॉडी में टच हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ये पाइप हम लगा देते हैं और ये पाइप लगा के आप बड़े आराम से इसको स्पार्किंग से बच सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको लिए बना सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।